किसी फुटबॉल मैच को याद कीजिए, मैच चल रहा होता है, कोई प्लेयर विरोधी खिलाड़ी को टैकल मारता है, सामने वाला प्लेयर ऐसे गिरता है जैसे उसका पैर टूट गया हो। कई बार तो सच में टैकल काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, तो कई बार होती है प्लेयर्स की तरफ से एक्टिंग। उसमें भी अगर मैच में आखिरी कुछ मिनट बचे हों तब तो उनकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा ही होती है। इसके पीछे दो वजहें होती हैं। पहली वजह, दूसरी टीम के अटैक को धीमा करना, और दूसरी वजह टाइम को वेस्ट करना जिसका फायदा उनकी टीम को मिल सके। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है क्रिकेट के मैदान पर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच में। दरअसल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 में गजब का मैच हुआ, लेकिन मैच में बीच बीच में बारिश भी खलल डालती रही। 116 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पारी भी लड़खड़ा गई। 80 रन तक टीम के 7 प्लेयर्स आउट हो चुके थे, फिर हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई। ऐसे में अफगानी कोच जोनाथन ट्रॉट अपने प्लेयर्स की तरफ कुछ इशारा करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने प्लेयर्स को गेम को धीमा करने का इशारा कर रहे थे, और उनके इस इशारे को बखूबी समझा टीम के स्टार बॉलर गुलबदीन नायब ने। स्लिप में फील्डिंग कर रहे गुलबदीन ग्राउंड पर गिर गए, लगा जैसे हैमस्ट्रिंग खिंच गया हो और वो काफी ज्यादा दर्द में हो। ये देखकर खुद राशिद खान भी हैरान रह गए। फैंस को भी हैरानी हुई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो ग्राउंड पर गिर पड़े। लेकिन असली बात तब समझ में आई जब नजर स्कोर बोर्ड की तरफ गई। बांग्लादेश का स्कोर 81 रन था, जबकि डकवर्थ लुइस के मुताबिक उनके लिए पार स्कोर था 83 रन। यानी अगर उसके बाद मैच नहीं होता तो अफगानिस्तान की टीम को जीत मिल गई होती। इसीलिए माना यह गया कि गुलबदीन इसलिए मैच में गिरे थे जिससे मैच थोड़ा सा लेट हो जाए और बांग्लादेश बारिश आने से पहले 83 का स्कोर पार नहीं कर पाए। हालांकि कुछ देर बाद मैच फिर से शुरू हुआ और गुलबदीन सही सलामत वापस मैदान पर लौट आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ देर के बाद बॉलिंग भी करी, और फिर एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिला जिसे अफगानिस्तान ने 8 रन से जीत लिया, और इस तरह अफगानिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस इंटरेस्टिंग मैच पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आपके लिए खबर को लिखा है रवि राज ने, मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली लैंड टॉप। शुक्रिया।